हेलो दोस्तों, स्टार एजुकेशनल आप सभी के लिए रेलवे के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो 50 प्रश्न हैं जो आपके, मैं आपको बता देता हूँ, 28 तारीख से लेकर 8 जनवरी तक रिपीट प्रश्न कौन कौन से हुए हैं उनकी मैं चर्चा करूँगा आपके साथ में। और ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं बार बार, और इसकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी कि रिपीट प्रश्न रेलवे रिपीट प्रश्न से टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। 100% पीडीएफ फाइल है वो, आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए स्टार एजुकेशन। चलिए 50 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न, देखिए साइंस का प्रश्न है कि एक नीले लिटमस पत्र को पहले तंतु अम्लीय विचलन के बाद तनु क्षारीय विलय में डुबोया जाता है, तो इसका रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, पहला तो आपका लाल होगा, उसके बाद में क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो ये पहले प्रश्न का ये रिपीट प्रश्न है। अगला देखिए, पर्यावरणीय आंदोलन के परिणाम स्वरूप किस परियोजना पर रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों ये भी रिपीट प्रश्न है, इसका राइट आंसर है साइलेंट वैली जल विद्युत परियोजना। क्या है? साइलेंट वैली जल विद्युत परियोजना आपका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसके जो टिक है वो कम करूंगा जो पढ़ने में आपकी। ये देखिए, किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ, 1993 से, सॉरी 1973 से 1974 के बीच हुआ था। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है, वो 1986 के अंदर। कब किया गया? 1986 के अंदर। और दोस्तों ऐसे ऐसे 20 भी 20 प्रश्न रीजनिंग के हैं वो भी रिपीट हैं, 20 प्रश्न मैथ के हैं, 20 से 25 प्रश्न मैथ के हैं वो भी रिपीट हो रहे हैं। अगर आप उनका कहेंगे तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। देखिए, भूपृष्ठ से 3/4 भाग में क्या है, जल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे दो प्रश्न है, थोड़ा मैं टाइपिंग हो गया, पूछा गया है कि देखिए यहां पर दो प्रश्न देखिए, भूपृष्ठ में जो चौथाई है कितना है, जल है, वो जल आपको है। उसके बाद में यहां से दूसरा प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण दिवस जो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ये दोनों अलग अलग प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसका तो आप दोस्तों, एक जो मुख्यालय है वो पूछा गया है और परीक्षा में 3 बार पूछा गया ओपे, ओपीसी का मुख्यालय कहाँ है, जो वियना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वियना कहाँ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बहुत बार सवाल पूछ लिया गया। अशोक के शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, दोस्तों अशोक के शिलालेख है ना ब्राह्मणी लिपि के अंदर, कहाँ है, ब्राह्मणी लिपि के अंदर उत्कीर्ण है। ये भी 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों ये प्रश्न तो 8 तारीख को पूछा, भारत रत्न के, देखिए भारत रत्न, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने जन्म दिवस पर अच्छा शासन दिवस मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी आपका राइट आंसर है। सवाल पूछा है 9 नंबर, लोहा धातु में जंग लगने के लिए वायु में किसकी आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इसकी ऑक्सीजन और नमी की, तो ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये जो केस है ना समलैंगिक वाला, समलैंगिक यौन वाला, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, 3 से 4 बार पूछ लिया गया है कि किस न्यायालय के अंदर है, दिल्ली उच्च न्यायालय से संबंधित है। सवाल ये पूछा, एक सीधा पूछा समलैंगिक के बारे में पूछा गया, एक ये भी चला के पूछा कि 2009 के दौरान, तो ये प्रश्न आप रट लेना है। पीडीएफ फाइल नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब तक के सबसे पुराने शिलालेख जिसकी मूंड लिपि साजी हो जा चुकी है, जिसका संबंध किससे है, तो मौर्य काल से। किससे है? मौर्य काल से दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, किस पादप में तना संचय, देखिए संचयन तथा चिर का लिखता कार्य, तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, हल्दी से संबंधित है। क्या है? हल्दी से संबंधित है। और जो 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, क्या बताऊं आपको मैं, बहुत बार पूछा गया है। देखिए, ऊपर फेंके गए किसी पिरामिड का गुरुत्व बण क्या होता है, तो 9.8 मीटर सेकंड होता है। देखिए, वेबसाइट के बारे में पूछा गया दोस्तों, एक सवाल कंप्यूटर के मेरे पास 20 प्रश्न है जो रिपीट हो रहे हैं, आप मुझे कमेंट करेंगे तो कंप्यूटर के भी 20 प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो उनके बारे में मैं जरूर बनाऊंगा दोस्तों। पूछा गया वेबसाइट क्या है, तो एक ऐसा स्थान है जहां आप संबंधित वेब पेजों
को ला सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। और एक सवाल जनगणना के आधार पर पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, दोस्तों ये 3 बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये क्या है, यूपी, यानी यूपी उत्तर यूपी है, घुमा फिरा के प्रश्न दे रहा है, क्या दे रहा है, घुमा फिरा के प्रश्न दे रहा है, तो इसका भी राइट आंसर क्या है, यूपी है। गोबी, देखिए गोबी डेजर्ट एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है, यह दक्षिणी मंगोलिया के प्रदेश तथा और किस देश के उत्तरी प्रदेशों में है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चीन है, क्या है, चीन। ये भी रिपीट प्रश्न है, बहुत बार दोस्तों रिपीट प्रश्न है आपके सामने। कंप्यूटर के बारे में देखिए, कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट को, देखिए सी यूनिट का प्रयोग लाई जाती है, MIPS आपका राइट आंसर है। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है, भारत के अंदर होती है, कहाँ होती है, भारत के अंदर होती है। काला जवार का देखिए संचार किससे होता है, तो काला जवार यहां पर आप देखिए फैक्ट पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 3 बार पूछ लिया ये प्रश्न, यहां पर आप देखेंगे, देखिए कोई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें एक वेग नीचे फेंक दिया जाए तो वायु के प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तो क्या आएगा, तो दोस्तों क्या बैग से आएगा, क्या आएगा, हवाई जहाज कहाँ से आएगा, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए, फाइबिनोजन किसके द्वारा फाइबिन में परिवर्तन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर है। सूचित किया जा रहा है कि भूमंडलीय तापीय क्रम में वृद्धि के कारण समुद्रीय जल का पीएच मान लगातार घट रहा है, क्या है, घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, समुद्री जल द्वारा CO2 की मात्रा क्या हो रही है, अधिक हो रही है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक अंतरिक्ष, देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंधित होकर विश्व को बचाया जाता है, वो कौन सा है, वह है ग्रीस और पिस, ग्रीन और पिस, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला एक सिद्धांत पूछा गया है, बेर्नुल का सिद्धांत किसके संरक्षण का पृथक है, रेखीय संवेग्य से। जल में अधिक मात्रा, देखिए जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाया जाता है तो उसकी समस्या क्या हो जाती है, फुल ओरोसिस, ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, ऐसी बाजार प्रणाली जिसमें केवल 2 क्रेता और बहुत से विक्रेता, उसे क्या कहते हैं, द्विक्रेता अधिकार, क्या कहते हैं, द्विक्रेता अधिकार कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों महात्मा गांधी की, देखिए क्या पूछे, आपको बहुत बार सवाल पूछ लिया गया है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक कौन है, M.K. गांधी। और दोस्तों गांधी के बारे में हर पेपर के अंदर एक प्रश्न और कांग्रेस से संबंधित हर प्रश्न में एक प्रश्न पूछा है, तो कांग्रेस का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वहां से एक प्रश्न आपको ध्यान में रट लेना है। देखिए मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, दोस्तों बहुत बार पूछा गया, तो ये इटली का था, कहाँ का था, इटली का था। भारत के, देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, 1952, कब किया गया, 1952 पे किया गया था। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए भारत में रेपो रेट दर कौन निर्धारित करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे SBI कहा जाता है, क्या कहा जाता है, SBI कहा जाता है। देखिए किसका प्रयोग पौधों में खाद्य का भंडार, स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्य किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। देखिए दक्षिणी ध्रुव के बारे में पूछा गया है कि तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, एम्स्टर्डम सैन। देखिए ये सवाल देखिए, अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ, कौन सा है सऊदी अरब है। महाभारत का प्रारंभ किसके द्वारा है, जय सहिता के द्वारा, किसके द्वारा, जय सहिता के द्वारा है। अगला देखिए,
एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना का उत्तरदायित्व तो किसने किया? सर सैयद अहमद के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रस्थी के नाम से है? तो इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद। जैसे ये भी 2 से 3 बार प्रश्न पूछ लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज जितने रिपीट प्रश्न हुए ना वो मैं, और इसकी पीडीएफ फाइल भी नीचे लिंक मिल जाएगा। नेम सेक पुस्तक की रचना, देखिए नेम सेक पुस्तक की रचना किसने की? झुंपा लोहड़ी ने की। अगला देखिए, जब किसी बॉडी का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों संवेग दुगुना हो जाता है, क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। कौन सी, देखिए कौन सा संविधान, देखिए कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो डोगरी 8वीं सूची जोड़ी गई? दोस्तों सूची से संबंधित एक प्रश्न, ये 3 बार रिपीट हुआ तो मैंने ये सूची उठा ली। इसमें पूछा गया समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। पोर्टिकल शब्द, देखिए पोर्टिकल शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? अरस्तु के द्वारा प्रयोग किया गया था। देखिए कौन सी रक्त वाहिनी साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में लेके जाती है? फुफ्फुस शिरा। क्या है? फुफ्फुस शिरा राइट आंसर है। वर्धमान महावीर के परिनिर्वाण कहां से प्राप्त हुआ है? तो वह पावा। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को क्या कहता है? जो भूकंप है ना उस बिंदु के बारे में पूछा गया है दोस्तों, उत्केंद्र। अगला देखिए, नाच गाकर अपना जीवन कमाने गुजारने वाली दक्षिणी राजस्थान की जाति कौन सी है? ये ग्रासिया जाति, ये भी पूछा गया है। अगला देखिए, रेनॉल के निवारण के लिए कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का होता है। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक, तो दोस्तों ये किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि भारत के संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ से दोस्तों रिपीट प्रश्न, बार बार रिपीट प्रश्न हो रहे हैं। इसकी जो पीडीएफ फाइल है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्टार एजुकेशन में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अब कंप्यूटर के जो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहे दोस्तों। धन्यवाद।